जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा जी, कल हमने डिस्कस किया था एको क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड कैसे, मैं ये कह सकते हैं भाई एको मेथड से। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक डिस्कवर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं नॉइस पोल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसको स्किप कर दें। और उसके अलावा जो आगे नेक्स्ट उसका आर्टिकल मैंने उसके ऊपर आ गया हूँ सीधा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक के लिए हमें पहले देखना है अकॉस्टिक्स होती क्या है। उर्दू में इसका मतलब होता है सूती निगहबानी। अब ये क्या होती है देखें, अब क्योंकि साउंड जो है वो वेव की सूरत में ट्रेवल करती है, वेव की सारी करैक्टरिस्टिक साउंड में भी होंगी। इसी तरह जब साउंड जो वेव की करैक्टरिस्टिक है उसमें आती है जी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, वो थी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ा, इसके बाद हमने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक वो हैं जो साउंड भी शो करेगा, क्योंकि साउंड भी एक वेव है। तो हमने वेव की करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, तो साउंड भी क्योंकि वेव है तो सारी करैक्टरिस्टिक वो शो करेगा। एक और करैक्टरिस्टिक उसकी होती है, वो है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर आप कोई पोर्स मटेरियल यानी कोई मसामदार सतह साउंड वेव के रास्ते में रखें तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अनडिज़ायरेबल जो साउंड है यानी कि जो हमें नहीं रिक्वायर उसको हम वहीं पे ख़त्म कर दें। तो क्या है अब्जॉर्प्शन, अ मटेरियल विच कैन एब्जॉर्ब साउंड टू अवॉइड अनडिज़ायरेबल साउंड्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल जो आपने देखे उनके ऊपर अगर आप उनकी सीलिंग देखें, छत देखें उनकी, तो वो कर्व सर्फेस होता है। वो कर्व इसलिए होता है कि जो बंदा यहाँ खड़ा बोल रहा है जब वो बोलेगा तो साउंड ने क्योंकि रिफ्लेक्शन करनी है, टकराना है, तो टकरा कर उसका जो कर्व सर्फेस है उसको नीचे की तरफ भेजता है जो लिसनर सुन रहे हैं, ताकि उनको क्लियर आवाज़ आए। और यहाँ पे जो है इसी डायग्राम को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे वो टकरा कर वापस लिसनर्स तक पहुँचती है। तो अकॉस्टिक क्या होती है, अकॉस्टिक का मतलब होता है कि जी एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करके जिसमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना जिसमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाए ताकि हमें अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो ना मिले और सिर्फ जो डिज़ायरेबल साउंड है वो हमें हम तक पहुँचे। इसके बाद आती है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है एक रेंज है जिसमें ये बताया गया कि इस फ्रिक्वेंसी से लेकर इस फ्रिक्वेंसी तक की आवाज़ आप सुन सकते हैं। इसमें 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम होगी, लेट से वो 15 हर्ट्ज़ है, तो फिर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, तो उसकी वजह यह है कि 50 हर्ट्ज़ से उसकी जो कम होती है फ्रिक्वेंसी, और अगर 20 हर्ट्ज़ 1000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी तब भी आपको सुनाई नहीं देगी, अगर इससे ज़्यादा हो गई तब भी आपको सुनाई नहीं देगी, इससे कम होगी तब भी आपको सुनाई नहीं देगी। तो ह्यूमन ईयर जो है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सुन सकता है, जिसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने लायक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी अल्ट्रासाउंड की। आज हमने चैप्टर मुका देना जनाब, तो आज हम बात करते हैं जी अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड है जी एक ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, मोर देन 20,000। मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको याद रहे। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, साउंड विच हैविंग साउंड हैविंग मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब इसका यूज़ हैं कुछ के कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। मेडिकल फील्ड के अंदर इसका यूज़ है, ठीक है, क्लॉट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, और थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स लेने के लिए, और सोनार के अंदर। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, देखें मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ है। देखें, ट्यूमर होते हैं किसी बंदे की बॉडी के अंदर, तो क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर वो वेव जो है वो दाखिल की जाती है। अब आपको तो नहीं पता ना कि 20,000 हर्ट्ज़ की वेव आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब वो वेव वहाँ जाके टकराएगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब वो साउंड कंप्यूटर सुन सकता है लेकिन आप नहीं सुन सकते, तो कंप्यूटर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा जो आप सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा यहाँ इस जगह पे ट्यूमर मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं ट्यूमर के लिए, डायग्नोसिस के लिए। मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोस हैं जिसके अंदर ब्रेन का भी डायग्नोस यहाँ मिला, उस इस तरह के डायग्नोसिस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रॉय क्लॉट्स कैसे आप यूज़ करते हैं, देखें किसी की आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग हुई हुई है ब्लड की, तो ये वेव उसके अंदर सेंड करते हैं उस आर्टरी के अंदर जहाँ हमने ट्यूमर का पता लगा लिया या क्लॉट का पता लगा लिया, वहाँ हम इसको सेंड करते हैं, और ये इतनी पावरफुल होती हैं कि जाके उससे कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, और टकराने से उस जो क्लॉट होता है उसको रेजा रेजा कर देती हैं, तो वो क्लॉट जो है वो आर्टरी के अंदर ऐसे बह जाता है, तो वो क्लॉट का जो ब्लॉकेज हुई होती है वो खुल जाती है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया। थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि वहाँ जो जब ग्लैंड्स के साथ जाके ये टकराती है और एक इमेज बन के आता है हमारे सामने, तो इमेज लेने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं थायराइड ग्लैंड्स के। अच्छा, ये सोनार, सोनार कहते हैं साउंड एंड नेविगेशन कंट्रोल,
ठीक है, साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम भी कहते हैं इसे, या साउंड एंड नेविगेशन रडार कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या है साउंड एंड नेविगेशन रडार, इससे आप क्या करते हैं डेप्थ ऑफ द सी पता लगाते हैं। डेप्थ ऑफ द सी कैसे आप पता लगाते हैं, डेप्थ ऑफ सी समुद्र की गहराई का आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, देखें जी आप इधर शिप में बैठे हुए हैं ऊपर, यहाँ आपकी शिप जो है वो मौजूद है ऊपर, ये आपकी जी शिप है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपकी शिप है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ ये आप पानी का सरफेस है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता पानी कितना गहरा है नीचे, आप क्या करेंगे यहाँ से अल्ट्रासाउंड भेजेंगे नीचे, अल्ट्रासाउंड वेव को भेजेंगे, वो जाएगी नीचे और जाके नीचे टकरा कर आपके पास वापस कंप्यूटर जो है उसको सुनेगा। तो जब वो सुनेगा आपको पता लग जाएगा कि हमारे तक पहुँच गई है। आपने क्या करना है, आपने जनाब पानी के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है उसके साथ उसको लिख लेना है, ठीक है, आपने फार्मूला यूज़ करना है V इज इक्वल टू डी बाई टी, इसमें आपने डिस्टेंस निकालना है, डेप्थ निकालनी, गहराई निकालनी, डिस्टेंस निकालना, तो डी इधर ही रहेगा और स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम आप कैसे लेंगे, देखिए ये नीचे जा रही और जाकर आपको वापस सुनाई दे रही, ये टोटल टाइम आपने लेना है और टोटल टाइम को आपने डिवाइड करना है टू पे, क्योंकि आपने सिंगल टाइम लेना होता है, डबल टाइम नहीं लेना, क्योंकि देखें इसको एक तो जाने में टाइम लग रहा है और वापस आने में, तो वो आपके पास डबल टाइम होगा, उसको आपने टू पे डिवाइड करना है, आपके पास सिंगल टाइम आएगा, उस सिंगल टाइम को आपने पानी में साउंड की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी पास क्या होगी, वो आपकी डेप्थ होगी उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो ओशन है उसकी डेप्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं जी सोनार सिस्टम। अब ये तरीका भी अल्ट्रासाउंड से ही हम इस, अगर अल्ट्रासाउंड हमारे पास होगी तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका आज का टॉपिक है, आज हमने चैप्टर मुका दिया है, अब हम कल इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।